दो मिनट ऐसे हाथ लगाते ना, दो मिनट। कौन सी जगह का मंदिर और क्या है जो आज कलश रख रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? ये सूर्योदय हनुमान मंदिर है सरदार पटेल मार्ग पे, बहुत प्राचीन मंदिर है, वो बहुत दिव्य और चैतन्य स्थान है। और यहाँ पे नर्मदा जी का जो कलश स्थापना की गई है वो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और देवास शहर में स्थायी रूप से नर्मदा जी यदि आती है तो उसके लिए हम सब पूरे देवासवासियों की गौरव की बात रहेगी, सबके सौभाग्य की बात रहेगी। माँ नर्मदा स्थायी रूप से देवास में आए और इसका हम सब तहे दिल से मतलब स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। जो भी जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और ये स्थायी रूप से देवास में नर्मदा जी का आगमन हो हम सबका ये सौभाग्य है। क्या नाम है आपका? जमनालाल वर्मा। देवास में नर्मदा जी आए इसलिए हम हर मंदिर में कलश शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्या इधर आंटी जी इधर हो जाएगी, हाथ लगा लो इधर क्या देखना। भाई साहब बताइए, आज युवक कांग्रेस आज सूर्य हनुमान मंदिर आए हैं सुकाल बघेल वाले मंदिर में, आज कलश रखा है, किस लिए रखा और किस मांगों को लेकर रखा आज? हम माँ नर्मदा का स्थायी जल देवास को मिले इस मांग को लेकर प्राचीनतम सूर्य विजय हनुमान मंदिर आए हैं। माँ नर्मदा जी का कलश इस भावना के साथ रखा है कि सूर्य भगवान हम लोगों को आशीर्वाद दे, हम नर्मदा मैया को देवास लाने में विजय हों। हमारा ये भागीरथी प्रयास देवास के उद्योगों के लिए, देवास की जनता के लिए और देवास के किसानों के लिए है। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि देवास वासियों के लिए माँ आशीर्वाद देने देवास पधारें। ठीक, आपका नाम बताइए? चंद्रपाल सिंह सोलंकी, महामंत्री शहर कांग्रेस देवास।